मुरादाबाद में मंगलवार को पंचायत सभागार में पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिले के ग्रामीण क्षेत्र व शहरी क्षेत्र से धर्मगुरु, गणमान्य व्यक्ति और पीस कमेटी के सदस्य उपस्थित रहे। बैठक का आयोजन जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा की अध्यक्षता में रहा। बैठक के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने सभागार में उपस्थित क्षेत्र से आए सभी गणमान्य व्यक्तियों से अलविदा जुम्मा व ईद के त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से करने की अपील की। वहीं उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि त्योहार के मौके पर कोई भी नई परंपरा न डालें, जिससे कि माहौल खराब हो। मुरादाबाद जनपद में वैसे तो सभी त्योहार बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाते हैं। आप सभी से आग्रह है कि इस बार भी त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से ही मनाएं। पुलिस प्रशासन आपके सहयोग में खड़ा है। वहीं जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार ने बैठक में मौजूद सभी धर्म गुरुओं से अपील करते हुए कहा कि आप सभी लोग एक दूसरे के साथ भाईचारा बनाए रखें, अपने क्षेत्र की जनता को पैगाम दें, जनता त्योहार पर शांति बनाए रखे। इस बार ईद का त्योहार इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो गया है कि नगर निकाय चुनाव भी ईद के नजदीक है। विशेषकर सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन का अवश्य ध्यान रखें। रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कहीं पर भी लाउड स्पीकर का प्रयोग ना करें। कुछ लोग समाज में ऐसे भी होते हैं जो माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। हमें ऐसे लोगों पर खास कर ध्यान रखना होगा। ऐसे लोगों की सूचना मिलने पर तत्काल रूप से अधिकारियों को सूचना दें। जिले में धारा 144 लागू है। प्रत्याशी चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए परमिशन कराएं। प्रशासन हर संभव आपकी मदद के लिए तैयार है। बैठक में मौजूद जनपद से आए धर्म गुरुओं, संभ्रात व्यक्तियों व पीस कमेटी के सदस्यों ने अपने विचार रखे और कुछ समस्याओं का समाधान कराने के लिए कहा, जिस पर अधिकारियों ने पूर्णतया समस्या का समाधान कराने के लिए कहा। इस बैठक के दौरान शहर इमाम साहब ने भी ईद के त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए अपील की। भगतपुर थाना क्षेत्र से पहुंचे जिला पंचायत सदस्य महंत सुंदरगिरी महाराज उर्फ छोटू बाबा और नवाब मसूदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा समर्थक मंच कार्यवाहक अल्पसंख्यक मोर्चा ने सभी से निवेदन करते हुए कहा कि अलविदा जुम्मा व ईद पर जनपद की जनता से हमारा अनुरोध है कि इस त्योहार को भाईचारे के साथ मिलकर मनाएं। जनपद मुरादाबाद शांति और अमन का प्रतीक है। जिस तरह से हम लोगों ने आज तक सभी त्योहार मिलकर मनाए हैं, इस त्योहार को भी हम सभी लोग मिलकर यादगार मनाएंगे। नवाब मसूदी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास बहुत जरूरी है।